हेलो दोस्तों, आपका नो मोर की एक और शानदार वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा, आपने रिसेंटली सुना होगा किस तरीके से अमेरिका ने जो भारत है इसकी मेडिसिन जो हमारी कोरोना की बनाई जा रही है उसके रॉ मटेरियल पर रोक लगा दी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि अमेरिकी सरकार ने पहले तो भारत की रॉ मटेरियल की सप्लाई पर पहले पाबंद लगा दिया और फिर बाद में उसे खोल भी दिया गया। लेकिन इस विषय पर जानने से पहले हमें अपनी ही सरकार की कुछ कमियों को जानना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां हैं उनको ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दवाइयों की चोरी हो रही है। इसके अलावा कुछ लोग मेडिसिन्स को लगातार स्टोर कर रख रहे हैं और कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की कमी होने के कारण दवाइयाँ समय पर पहुँच ही नहीं पा रही हैं। ये सभी कमियाँ होने की वजह से हमें लगातार दूसरे देशों से मदद के लिए गुहार करना पड़ रहा। मजा नहीं आ रहा है गाइस, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से ये पूछा गया कि उन्होंने भारत की मदद करने से क्यों मना कर दिया, तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। लेकिन जब कोरोना की फर्स्ट वेव अमेरिका में आई थी तो उस दौरान भारत ने जो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन है वो उसकी लगभग 50 मिलियन की सप्लाई अमेरिका को पहुंचाई थी बिना किसी सेकंड थॉट के। वापस रखो उसे। तो दोस्तों, जहां पर एक तरफ इतना कुछ चीजें चल रही थी, वहीं पर भारतीय मूल की कही जाने वाली अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ में हॉर्टिकल्चर डिस्कस कर रही थी। मतलब हद है यार, वो जो कि भारतीय मूल की बनती हैं उन्हें भारतीयों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मना करने के बाद में जो भारतीय लोग हैं इन्होंने अमेरिका का जमकर विरोध किया। साथ याद करवाऊं। और अमेरिका ही नहीं, भारतीय लोगों जो कि अमेरिका में निवास करते हैं उन्होंने भी जो बाइडेन की सरकार का अच्छे तौर पर विरोध किया। ये जो रोक लगाई गई थी इसे हटाने का दूसरा कारण एक ड्रैगन जिसने सारा का सारा रायता फैलाया है वो भी भारत की मदद के लिए तैयार हो गया था, जिसके कारण जो अमेरिका है उसे अपनी गलती समझ में आई और अपने सैंक्शंस जल्दी से जल्दी हटाने पड़े। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये खतरा हुआ कि जो चाइना है कहीं भारत उसके साथ में मिलकर अच्छे संबंध ना स्थापित कर ले और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा ना बन जाए। इस वजह से भी शायद हो सकता है अमेरिका ने इतनी जल्दी से अपने सैंक्शंस हटा लिए हों। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो गाइस, आपका क्या विचार है इस सारे के सारे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जागरूक हो सके। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।